जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं कुरुमा रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जो कष्ट जो परेशानियां आपको आ रही है उसको दूर कर सके और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। हम इस चैनल के माध्यम से आपको वो छोटी छोटी बातें, वो ज्ञान की बातें बताते हैं जिसको करने से आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है व्रत के विषय में। हम में से अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, व्रत का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट लगे ही रहते हैं। परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, वो जो हम भूल करते हैं व्रत को रखते हुए। आज मैं आपको उन सभी भूलों के बारे में बताऊंगी और आप उसका सुधार करके अपने व्रत को ठीक तरीके से पालन कर सकते हैं। साथ ही आज आपको बताऊंगी आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, कौन सा व्रत रखना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है और शीघ्र फल देने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए 15 मिनट अपने जीवन के तो अवश्य ही निकाल ही सकते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और रोजाना ही हजारों लाखों सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने, सब्सक्राइब का बटन दबाए, घंटी का आइकन जरूर दबाए, समय समय पर हमारे चैनल पेज गुरु रजनीश ऋषि पे जाना ना भूले और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे गुरु मा रुक्मिणी या गुरु रजनीश ऋषि जी सर्च अवश्य करते रहे। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर डेली का राशि फल भी आप देख सकते हैं। स्वामी राज ऋषि जी डेली आप सभी की राशियों के बारे में, आपके आज के सितारे के बारे में बताते हैं। उस राशि फल को देख करके वो साथ में उसमें उपाय भी बताते हैं, सावधानियां भी बताते हैं जो आपने नित्य ही प्रयोग करनी है। तो इसलिए आप राशि फल भी स्वामी राज ऋषि जी का नित्य ही सुबह देख करके अपने दिन का प्रारंभ करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हर पूजा के बाद इस श्लोक का पाठ अवश्य ही किया जाता है। हम ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, हम भक्तिहीन है, हमें भक्ति करनी नहीं आती, हमें कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई क्रिया करनी नहीं आती, हमें पूजा पाठ भी करना नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, आप हमें शुभ फल प्रदान करें और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम में से बहुत से लोग आजकल व्रत रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्रत का जो मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, जो आत्मा है, वो लुप्त होती जा रही है। किसी बच्चे को अगर ये पता चले कि आज किसी बड़े ने घर में व्रत रखा है तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है आज तो हलवा पूरी खाने को मिलेगा। मैंने सुना है एक युवती व्रत रखने की उसकी इच्छा हुई, वो मंदिर में जाकर के पंडित जी से उसने बात की और पूछा कि पंडित जी विधि विधान व्रत का क्या होता है, मैं किस प्रकार से व्रत रखूं। पंडित जी ने उसे सारी बातें समझाई। फिर उसने पूछा, पंडित जी जल तो पी सकते हैं ना, खाने का परहेज है, कोई बात नहीं, मैं पानी तो पी सकती हूँ। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल निर्जला एकादशी को छोड़ के और करक चतुर्थी को छोड़ के आप बिल्कुल जल को पी सकती हैं। तो वो युवती कहने लगी, यही मैं सोचूं कि बेचारे गोलगप्पे के पानी ने किसी का क्या बुरा किया है, उसे तो व्रत में पी ही सकते हैं। पंडित जी ने नारियल लिया और अपने सर पर ओढ़ा। व्रत की जो आत्मा है वो हम भूलते जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में व्रत रख क्यों है। तो आज वही सब बातें मैं आपको बताऊंगी और जो भूल व्रत को रखते हुए आप करते हैं, व्रत तो बहुत से लोग रखते हैं लेकिन भूल उसमें क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को अवश्य ही देखते रहें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल बहुत से लोग हमें फोन करके ये शिकायत कर रहे हैं कि गुरु मां हम आपके यहाँ फोन करते हैं, फोन मिलता नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ 5 से ज्यादा नंबर्स हैं और सारे ही हमने आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 500 से अधिक कॉल हमारे यहाँ पर डे आती है, एक दिन में 500 से ज्यादा कॉल आ रही है, तो यदि बिजी है, हमारा नंबर बिजी आ रहा है, तो कृपया करके आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि फोन नहीं उठाया जाता है, तो फोन का टाइमिंग हमारे यहाँ जो है वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में है। तो आप समय का अवश्य ध्यान दें, उस समय के बीच में करेंगे तो अवश्य आपका फोन उठाया जाएगा।
साथ ही आपसे ये कहना चाहूंगी, कई लोगों ने मुझसे ये निवेदन किया है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरु माँ हम चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े, जीवन भर आपसे जुड़े रहें, और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करती रहें, पूजा करती रहें, हमें आशीर्वाद देती रहें। जय शनिदेव। प्रिय भक्त गणों, जैसा कि आप जानते हैं, हर नए साल पर आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आप सभी के लिए एक नव वर्ष का यज्ञ आयोजित करती है। हमारे शनिपीठ मंदिर में ये यज्ञ किया जाता है हर साल। इस साल भी 2020 के स्वागत के लिए 2020 आप सबका बहुत अच्छा और मंगलमय जाए, कोई समस्या इस बीच में आपको ना सताए, उसके लिए हम यज्ञ शनिपीठ मंदिर में करेंगे। अगर आप सभी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। 1 जनवरी 2020 को आप यहाँ आकर के यज्ञ में जुड़ सकते हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर है, आ नहीं सकते हैं, वो सभी लोग अपना नाम एवं अपना गोत्र हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। इस यज्ञ के लिए कोई भी फिक्स्ड दक्षिणा नहीं होती है। जो भी यज्ञ में आप अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से आहुति प्रदान करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा है उसमें आप योगदान कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बहुत ही लाचार हैं, गरीब हैं, और फिर भी चाहते हैं कि हम उनके लिए यज्ञ करें, तो वो भी घबराए नहीं, हम उनके लिए फ्री में आहुति प्रदान करेंगे। आप अपना नाम एवं गोत्र हमें अवश्य भेजें। उस यज्ञ का एक वीडियो पूरा बनाया जाएगा, आप सभी लोगों के नाम और गोत्र उसमें लिए जाएंगे, और यूट्यूब के माध्यम से वो वीडियो आपको देखने को प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। व्रत जो है वो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है, साइंस भी मानता है कि हमारे शरीर को और अच्छा करने के लिए, अच्छे रूप से चलाने के लिए व्रत एक बहुत अच्छी चीज है, और हर धर्म में व्रत को, फास्टिंग को हम लोग मानते हैं। व्रत को करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, व्रत को करने से हमारी संकल्प शक्ति और दृढ़ होती है। एक प्रकार से हठ योग है, एक तपस्या है, जहां हम अपने स्वयं को जला करके अपने पापों को नष्ट करते हैं, अपने कष्टों को जलाते हैं। और जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारा सोचा हुआ काम नहीं बन रहा, हम जो भी सोचते हैं वो होता नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो व्रत अति आवश्यक है, उनको जरूर ही व्रत करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोचा हुआ काम बनता क्यों नहीं? आप जब भी कुछ सोचते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति में कुछ कमी है, आप इतने दृढ़ नहीं है। आपके एक मन का कोना कहता है कि हाँ मुझे ये कार्य चाहिए, मुझे ये कार्य करना है, और कहीं ना कहीं दूसरे मन का कोना आपको रोकता है। आपका भीतर ही खंड खंड हो रहा है और आपस में ही आप लड़ते रहते हैं। एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता है पता नहीं होगा नहीं होगा, रहने दो, छोड़ दो। और इसी चक्कर में, क्योंकि संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, आपका सोचा हुआ कार्य बन नहीं पाता। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने सोचे हुए काम को बनाना चाहते हैं, अवश्य ही उन्हें व्रत करना चाहिए। लेकिन किसी चीज की भी अति ना करें। कई लोग मैंने देखे हैं उनसे व्रत नहीं रखा जाता, तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि वो महीने में 15 दिन व्रत ही करते रहते हैं। किसी भी चीज की अति मत करो, लेकिन मध्य में रहकर, बीच में रहकर, जितना अनिवार्य है केवल उतना ही। हम जो मुख्य भूल करते हैं व्रत को रखने में, व्रत तो आपने रखा ही होगा कभी ना कभी, लेकिन व्रत को रखने में जो आप भूल करते हैं आज मैं आपको वो बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो जब भी आप व्रत रखें, सुबह उठ करके आप जब स्नान इत्यादि के बाद निवृत्त हो जाते हैं, आप मंदिर में बैठ के पूजा पाठ को प्रारंभ करने से पहले उस दिन संकल्प अवश्य करें। आपने भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करना है, हाथ में गंगा जल लेना है, कोई दक्षिणा लेनी है, और संकल्प अवश्य करना। संकल्प करें कि मैं ये व्रत इस हेतु कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। जब तक कि आप मन में ये संकल्प नहीं करेंगे, आपका व्रत अधूरा है, वो आपको कोई भी फल नहीं देता है। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान दें, जो भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, सबसे पहले सुबह उठ करके संकल्प अवश्य ही पूजा से पहले करें कि आज हम ये व्रत रख रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अगर आपको संकल्प के मंत्र नहीं आते तो भी आप केवल मन में अपनी साधारण भाषा में बात कर सकते हैं प्रभु से, उनको अपनी मनोकामना बता सकते हैं कि इस हेतु हम व्रत कर रहे हैं। और अवश्य ही ऐसा व्रत जो कि संकल्प के बाद किया जाता है, वो अवश्य ही व्यक्ति को फल प्रदान करता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा ऐसा व्रत है जो आपको रखना चाहिए। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो आपको शुक्रवार के व्रत अवश्य ही करने चाहिए। शुक्रवार के दिन माता संतोषी के, या वैभव लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के, अथवा शुक्र ग्रह के व्रत किए जाते हैं।
अगर आप भक्ति में वृद्धि के लिए करना चाहते हैं तो माता संतोषी के व्रत रखें। अगर आप केवल धन में वृद्धि के लिए चाहते हैं तो आप माता लक्ष्मी के व्रत रखें। और इस समय अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ कष्टों से गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपको सीधा ही शुक्र देवता का व्रत रखना चाहिए। आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से प्रारंभ करें। 21 शुक्रवार, 31 शुक्रवार अथवा जितने भी आपकी यथाशक्ति हो उतने शुक्रवार आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 21 शुक्रवार तो आपको रखना ही चाहिए। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करके संकल्प करने के बाद श्री शुक्रदेव की मूर्ति अथवा शुक्र देवता का एक फोटो फ्रेम करा के अपने सामने रखें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें और पूरे दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक उनका व्रत का पालन करें। दूसरी बात जो हम भूल करते हैं, हम व्रत को करने में दो प्रकार की भूल करते हैं। सबसे पहली है तो संकल्प, और दूसरी जो भूल हमसे होती है वो है कि हम व्रत को पूरी तरह से निभा नहीं पाते। निभाने से मेरा अर्थ है कि एक ओर तो आपने व्रत रखा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर आपका मन अभी भी शांत नहीं है, अभी भी अंदर से आप परेशान हो रहे हैं, अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ऐसा व्रत भी कोई फल नहीं देता। मैंने सुना है कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको भूख प्यास नहीं लगती है, वो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन उस अवस्था में वो प्रसन्न होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता। इसी प्रकार से अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है, फल प्राप्त करना है, तो उसके लिए उनसे प्रेम करो। अपनी ड्यूटी केवल कर्तव्य मत करो कि आपने केवल मन में ठान लिया कि ठीक है आज खाना नहीं खाएंगे, या आप बिना नमक का खाना खा लेंगे, या हम साधारण खाना खा लेंगे तो व्रत पूरा हो गया। उसे कर्तव्य मत बनाओ, उसे प्रेम से करो, भाव से करो। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका के बीच में संबंध होता है, प्रेम होता है, वैसे ही भक्त को अपने प्रभु से प्रेम और संबंध रखना चाहिए। प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे उस दिन व्रत रखो तो पूरे दिन अपने इष्ट का ध्यान करते रहो, ना किसी से कोई फालतू की बात करो, ना कोई व्यर्थ की चर्चा करो, केवल अपना ध्यान अपने प्रभु में लगाए रखो। और क्रोध मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो, एक जीव के साथ, किसी चींटी के साथ, किसी कुत्ते के साथ, किसी पशु पक्षी के साथ भी हिंसा मत करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, कष्ट ना पहुंचाओ, तो जाके व्रत पूर्ण होता है। हमें कभी भी अपनी पूजा पाठ पे, अपने व्रत पे, अपने भक्ति पे अभिमान नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर करा रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। वो अंदर हृदय की गुफा में बैठा है तो ही तो हम सांस ले रहे हैं, यदि जीवित ही ना हो तो कहां से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज का अहंकार, अपनी पूजा का अहंकार, अभिमान भी अपने पूजा पे कि देखो हम तो कितने धार्मिक हैं, हम तो व्रत रखते हैं, हम तो इतनी पाठ पूजा करते हैं, बाकी सब तो नरक में गिर रहे हैं, पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, ऐसा मन में सोचना भी, ऐसी भावना रखना भी आपके सत्कर्मों को नष्ट करता है, आपके फल को नष्ट करता है। व्रत के दिन अवश्य ही ध्यान रखें, कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। व्रत अधूरा है जब तक कि आप उसके साथ कुछ दान नहीं करते हैं, तो आप व्रत के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। तो दान के लिए आप फलों का दान कर सकते हैं, बच्चियों के बीच में, लड़कियों के बीच में विभिन्न प्रकार के फल का दान करें, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, या हीरा या अमेरिकन डायमंड जो होते हैं, या जिरकन जो होते हैं, आप उसको भी उसका दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने गले में एक डायमंड या अमेरिकन डायमंड का मंत्र सिद्ध करा के लॉकेट भी अवश्य धारण करें, इससे भी आपके जीवन में और उन्नति आएगी। अमेरिकन डायमंड जो होते हैं या जिरकन जो होते हैं कि आप दान कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उसे भी मंत्र सिद्ध करा के बांटेंगे तो उसका फल आपको 4 गुना अधिक हो जाएगा। शुक्र देवता के बीज मंत्रों का उस दिन आप जाप करें, हो सके तो आप पूरे दिन उस मंत्र को जपते रहें, केवल ध्यान रखिए उस समय आपका मुंह साफ हो, शाम के समय अपने व्रत को पूर्ण करें और अंत में उद्यापन उसका अवश्य करें। इस व्रत को धन में वृद्धि के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा या दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए, संतान सुख के लिए या भौतिक सुख के लिए किया जाता है। शुक्रवार के व्रत को रखने से हमारे जीवन में धन और वैभव बढ़ता है, और जो भी चीजें भौतिक सुख हम चाहते हैं, जैसे घर, मकान, दुकान, गाड़ी इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको पूरी व्रत की विधि नहीं मालूम है, शुक्रवार की व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, व्रत कथा क्या होगी, किस नियम से क्या करना है, उद्यापन कैसे करना है, तो आने वाले हमारे वीडियोस को आप अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही शीघ्र मैं आपको हर व्रत का पूरा विधि विधान आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति परेशान है, आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से ज्योतिष का परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या अगर जन्म कुंडली आपके पास नहीं है, आप अपना चेहरा दिखा करके हमें एक प्रश्न कुंडली के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल की बुकिंग कराएं, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें और मुझसे अथवा गुरु जी से अपनी परेशानियों के उपाय दे सकते हैं। इस सेवा को लेने के लिए एक छोटी सी फीस ली जाती है, जो कि हमारे द्वारा जो हमारा शनि मंदिर है उसको चलाने के काम आती है, और जो हम विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं उस सब में ये प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम समय समय पर शनि महायज्ञ और अन्य यज्ञों का आयोजन करते हैं, जो हम हर शनिवार को प्रसाद वितरण करते हैं, हलवे का प्रसाद बांटते हैं, उसके लिए प्रयोग की जाती है, जो समय समय पर हम अन्नदान करते हैं, लंगर सेवा इत्यादि होती है, उसके लिए प्रयोग की जाती है, और जो हम फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं लड़कियों के लिए, उसमें ये प्रयोग की जाती है, जहाँ पर हर लड़की को हम एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दे के उनको सिखाते हैं। तो आपके द्वारा दी गई फीस इन सभी कार्यों में प्रयोग की जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो आपके धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपकी शादी से संबंधित हो, शादीशुदा जीवन से संबंधित हो, आपके बच्चों से संबंधित हो, या एजुकेशन या करियर में, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिना झिझक हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य ही आपकी जन्म कुंडली देख के आपको उचित और सटीक उपाय बताएंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही कहना चाहूंगी, अपने जीवन के संघर्षों में कभी भी स्वयं को अकेला मत समझें। आपकी गुरु माँ, आपकी गुरु जी आपके साथ सदैव हैं। मेरी यही कामना है हमारे हर भक्त के लिए, हमारे हर सब्सक्राइबर के लिए, कि आप सभी अपने जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें और जो भी चाहते हैं जीवन में वो प्राप्त करें। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय शनि। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पेज के जो चैनल में उनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठिया पहनाई, और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।